नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में कई जगहों पर अफवाहें फैलाए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। कुछ सवालों के जरिए जवाब देते हुए उन अफवाहों को दूर करने की कोशिश की गई है। आइए जानते हैं उन सवालों के जवाब को। पहला सवाल, क्या NRC सिर्फ मुस्लिमों के लिए है? बिल्कुल नहीं। NRC का किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी भारतीय नागरिकों का केवल एक रजिस्टर है जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना होगा। दूसरा सवाल, क्या CAA और NRC एक समान है? नहीं, CAA अलग कानून है और NRC एक अलग प्रक्रिया है। CAA संसद में पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए NRC के नियम व प्रक्रिया तय होने अभी बाकी हैं। NRC अभी सिर्फ असम में ही चल रहा है। तीसरा सवाल, क्या NRC में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा? नहीं, NRC को धर्म के आधार पर कभी भी लागू नहीं किया जा सकता। NRC का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है और न ही किसी को भी सिर्फ इस आधार पर NRC से बाहर किया जा सकता है कि वह किसी विशेष धर्म को मानने वाला है। चौथा सवाल, नागरिकता कैसे दी जाती है? नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। ये नियम नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के 5 तरीके हैं। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। चौथा, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। और पांचवा, भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। पांचवा सवाल, यदि किसी के पास ये दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? ऐसा होने पर उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत दी जाएगी। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी में नहीं डाला जाएगा। छठा सवाल, क्या NRC में मुस्लिमों से सबूत मांगा जाएगा? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC जैसी कोई औपचारिक पहल अभी शुरू नहीं हुई है। भविष्य में अगर ये लागू किया जाता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि किसी से उसकी भारतीयता का प्रमाण मांगा जाएगा। NRC को एक प्रकार से आधार कार्ड या किसी दूसरे पहचान पत्र जैसी प्रक्रिया समझा जा सकता है। NRC में अपना नाम दर्ज कराने के लिए व्यक्ति को कोई भी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज देना होगा, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID भी काफी होगा। नागरिकता कानून को लेकर हर आम आदमी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसके सही जवाब भी जानना उतना ही जरूरी है। अफवाह फैलाने वाले लोगों के बहकावे में न आकर खुद नागरिकता कानून और NRC को समझ लें, तभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। टीम खबर अपडेट।